महज थोड़े से आटा के विवाद ने ले ली अधीर की जान। ये करुण रुदन का एकमात्र कारण है महज थोड़ा सा आटा। कम आटा दिया जाने का विवाद ने ले लिया 55 वर्षीय अधेड़ की जान। वहीं पुत्र को पीट कर कर दिया बुरी तरह घायल। घटना पकरी ब्रामा प्रखंड के धमौल ओपी अंतर्गत धमौल पीएनबी बैंक के पीछे के आटा मिल चक्की के पास का है, जहां ग्राहक पड़रिया गांव के सरयुग यादव ने दिए गए गेहूं के अनुसार कम आटा दिए जाने का आरोप लगाया। बात बढ़ गई, खूब नोकझोंक हुई, हाथापाई भी हुई। जैसा कि बताया जाता है, न्यूज संचालक शत्रुघ्न रविदास ने रड से सिर पर दे मारा। देखते ही देखते कई रड दे दिए, जिससे सरयुग यादव अचेत होकर गिर पड़ा। मारपीट में उसके साथ उसका पुत्र दिलीप कुमार को भी घायल कर दिया गया। गंभीर अवस्था में सरयुग यादव को पीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद नवादा रेफर कर दिया गया। नवादा में इलाज के लिए ले जाने के क्रम में सरयुग यादव की मौत हो गई। मंगलवार की देर रात्रि मौत के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और मिल संचालक शत्रुघ्न रविदास से घर पर चढ़ गए। मौके पर पहुंचे ओपी प्रभारी नीरज कुमार ने आक्रोशित ग्रामीणों की मनसा भाव, संयम और बुद्धिमानी का परिचय देते हुए पुलिस बलों की मदद से आरोपी के परिजन को सुरक्षित थाना लाया। एक बार तो ऐसा लगा कि भीड़ आरोपी पुत्र आकाश कुमार की जान ही ले लेगा, परंतु पुलिस की सक्रियता से पुलिस उसे ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाने में कामयाब रही। आरोपी के घर पर चढ़ाई की सूचना पर पहुंचे एसडीपीओ मुकेश कुमार शाह ने हंगामा कर रहे ग्रामीणों को खदेड़ा। वहीं दूसरी ओर पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने सबको परिजनों को सौंप दी है। मृतक के घायल पुत्र दिलीप कुमार यादव के फर्द बयान पर स्थानीय थाना में घटना की प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें मिल संचालक शत्रुघ्न रविदास, कांता देवी, पुत्र आकाश कुमार, भाई भरत रविदास एवं उसकी पत्नी पूनम कुमारी को मामले का नामजद अभियुक्त बनाया गया है। वहीं पुलिस ने देर रात्रि आरोपी कांता देवी, उसके दो पुत्र एवं पुत्री तथा भाई भरत रविदास को थाना ले आई है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। इधर एसडीपीओ मुकेश कुमार शाह ने बताया कि घटना की प्राथमिकी दर्ज की जा रही है, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। पकरी ब्रामा से अपना मंथन के लिए विजय पांडे की खास रिपोर्ट। शहर और गांव की खास खबरों के लिए कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।